Hello students, hope you all are fine. Dear students, we were doing chapter 3 in teachers, and in our previous lecture we have discussed about the topic power of integers, and today we will continue the same topic. And today we will learn how we can find the value of an integer containing power. So to understand this concept, I have taken example here. Here I have positive integer 2 with power 3. So what is the value of 2 raised to power 3? As we know that 2 raised to power 3 is written as 2 into 2 into 2. So first we will write the product form of the power notation. जब भी आपको value find करनी है power term की, तो आप क्या करेंगे, आप पहले उसको product form में लिखेंगे. तो product form में लिखने के लिए 2 raise to power 3 है, तो you have to repeat the base. Here base is 2. So हमें base को repeat करना है how many time as it has power, और कितने टाइम करेंगे, जितनी उसकी पावर है. सो हेयर 2 रेज टू पावर 3, तो हमने 2 को रिपीट किया 3 टाइम्स के लिए. एंड देन वी मल्टीप्लाई दीज 2s, 2 टू ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8. ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल, 1 रेज टू पावर 5. हेयर 1 रेज टू पावर 5 मीन्स 1 इज बेस एंड वी हैव टू रिपीट 1. हाउ मैनी टाइम्स? 5 टाइम्स, बिकॉज इट्स पावर इज 5. सो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी 5 टाइम्स 1 को लिखा है. और 1 को आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी 1. ओके, सो प्रोडक्ट इज 1. तो इन बोथ एग्जाम्पल आई हैव टेकन पॉजिटिव इंटीजर विथ पावर, एंड इन नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आई एम टेकिंग नेगेटिव इंटीजर्स विथ पावर. तो जब नेगेटिव इंटीजर की पावर है, अगेन वी विल राइट द प्रोडक्ट फॉर्म. माइनस 3 रेज टू पावर 4 मीन्स मुझे माइनस 3 को रिपीट करना है हाउ मैनी टाइम्स? 4 टाइम्स. माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3, बिकॉज वी नो दैट पावर नोटेशन मीन्स रिपीटिंग मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, आपने जो भी बेस है उसको रिपीट करना है मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में. ओके, सो मैंने इसको 4 टाइम्स लिखा है. नाउ वी विल मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई करने के लिए आपको मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट पे जाना होगा. तो किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं. तो हेयर 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81. ओके, 81 लिख दिया. नाउ व्हाट साइन विल बी प्रीफिक्स्ड हेयर, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. अब कौन सा साइन लगाना है हमें, माइनस का या प्लस का? तो अगेन वी विल गो विद द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. और मल्टीप्लीकेशन के रूल में क्या था कि हमें क्या करना है, हमने नेगेटिव इंटीजर्स को काउंट करना है. और नेगेटिव इंटीजर्स अगर इवन की फॉर्म में होंगे तो हम प्लस का साइन लेंगे, और नेगेटिव इंटीजर अगर ऑड की फॉर्म में होंगे तो हम माइनस का साइन लेंगे. तो हेयर नेगेटिव इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ इवन नंबर्स. ठीक है, 1 2 3 4, 4 है. तो 4 क्या है, 4 इज इवन. सो वी विल प्रीफिक्स प्लस साइन है, तो प्लस को मैं यहाँ शो नहीं कर रही हूँ. ओके, और नाउ आई एम टेकिंग अगेन माइनस 1 रेज टू पावर 3. ओके, सो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1. यहाँ मैं एग्जांपल माइनस 1 का इसलिए ले रही हूँ कि माइनस 1 में मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं, और वो माइनस 1 रेज टू पावर 3 होगा तो उसके आंसर में इसको 3 लिखेंगे या फिर माइनस 3 लिखेंगे. 1 रेज टू पावर 5 होगा तो वो जल्दी से इसको 5 लिखेंगे. तो इसलिए आप देखिए कि 1 को हमने रिपीट करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है. तो 1 को आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 1 ही मिलेगा. ओके, सो यहाँ भी मैंने 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम साइंस को छोड़ देंगे. वी विल टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू, हमें इनकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है. 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. सो व्हाट विल बी द साइन, साइन कौन सा होगा? साइन यहाँ पर काउंट करिए, 1 2 3, एंड व्हाट इज 3? 3 इज ऑड नंबर. तो अगर ऑड होगा तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करिए कि हमारे पास उतने ही नेगेटिव इंटीजर्स होंगे जितनी पावर होगी. ठीक है, व्हेन वी राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ पावर नोटेशन वी विल गेट एज मैनी नेगेटिव साइन एज
द बेस हैज़ पावर। ओके, अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो हमारे पास प्रोडक्ट में इवन साइंस ऑफ नेगेटिव आएंगे, और अगर किसी नेगेटिव इंटीजर की पावर ऑड में है तो हमारे पास ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, इट मींस अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है -1 raised to power 97, तो हमें यहाँ पर -1 को 97 टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है 1 को हम 97 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट अगेन 1। अब वो 1 होगा या -1 होगा दैट डिपेंड अपॉन द पावर। पावर क्या है 97 एंड 97 इज ऑड नंबर, सो वी विल प्रीफिक्स द साइन ऑफ माइनस। तो जब पावर नोटेशन में नंबर है तो प्रोडक्ट के साथ जो हमने साइन प्रीफिक्स करना है वो उसकी पावर पे भी डिपेंड करेगा। पावर अगर इवन है तो हमें पॉजिटिव साइन लेना है, एंड इफ द पावर इज ऑड वी विल प्रीफिक्स नेगेटिव साइन। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ वर्कशीट 8 विच इज़ बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट दैट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इंटीजर कंटेनिंग पावर। सो क्वेश्चन नंबर 5th इज कंप्यूट द फॉलोइंग। कंप्यूट द फॉलोइंग मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। ओके, सो हेयर 3 raised to power 4, सो 3 raised to power 4 इज रिटन एज 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, अब 3 raised to power 4 है, हमने इसको एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया है कि 3 raised to power 4 मीन्स हमें बेस को रिपीट करना है एज हाउ मैनी टाइम्स एज इट हैज़ पावर, जितनी इसकी पावर है उतनी बार लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 and 27 × 3 = 81। तो पॉजिटिव इंटीजर की पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, तब तो आंसर आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। ओके, एंड व्हेन वी हैव नेगेटिव इंटीजर विद इवन पावर, तो जब नेगेटिव इंटीजर की पावर इवन होगी तब हम प्लस का ही साइन लगाएंगे, और नेगेटिव इंटीजर की पावर ऑड होगी तब हम माइनस का साइन लगाएंगे। इट मींस हमें सिर्फ तब देखना है साइन प्रीफिक्स करने से पहले व्हेन वी हैव नेगेटिव इंटीजर विद पावर। पॉजिटिव है तो आंसर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके, नाउ इट्स बी पार्ट इज -5 raised to power 2, सो हेयर -5 इज नेगेटिव इंटीजर्स, raised to power 2 इट मीन्स वी विल राइट -5 टू टाइम्स। ओके, सो -5 × -5, हेयर हमने -5 और -5 को माइनस को छोड़ के इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ही लेना है, 5 × 5 = 25 एंड पावर इज इवन, सो हम इसके साथ प्लस का साइन लेते हैं। ओके, अगेन -1 raised to power 78, यहाँ -1 raised to power 78 है तो इसकी प्रोडक्ट फॉर्म के लिए हमें -1 को 78 टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही हम सिंपल सोन करके इसको 78 टाइम्स लिखेंगे। अब 1 को आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करिए प्रोडक्ट तो आपको 1 ही मिलेगा, बट 1 के साथ अब साइन कौन सा होगा, माइनस का या प्लस का, दैट डिपेंड्स अपॉन द पावर। अब पावर देखिए, पावर क्या है, इवन है ना, 78 इज इवन, सो पावर विल सो वी विल प्रीफिक्स साइन ऑफ प्लस है। ओके, नाउ नेक्स्ट डी पार्ट इज 11 raised to power 3, 11 इज पॉजिटिव इंटीजर, सो 11 × 11 × 11 और 11 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट 1331। ओके, और आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर की पावर है, तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। जब नेगेटिव इंटीजर की पावर होगी तो हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो पॉजिटिव में आंसर आएगा या फिर हमारे पास नेगेटिव में भी आंसर आएगा, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि पॉजिटिव में कब आएगा और नेगेटिव में कब आएगा। ओके, नाउ ई पार्ट इज़ डिफरेंट, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं, तो 3 टर्म्स में भी आपने क्या करना है, आपने 1-1 टर्म को लेके पहले सॉल्व कर लेना है। -4 raised to power 3 है तो मैं पहले -4 raised to power 3 को सेपरेटली सॉल्व कर रही हूँ, हेयर -4 × -4 × -4। ओके, और 4 × 4 = 16 एंड 16 × 4 = 64, और आप 64 के साथ साइन कौन सा होगा, और पावर है तो माइनस का साइन। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग -10,
माइनस टेन रेज टू पावर थ्री। अब माइनस टेन को आपको थ्री टाइम्स लिखना है, माइनस टेन इंटू माइनस टेन इंटू माइनस टेन। अगेन टेन टेन्स आ हंड्रेड एंड हंड्रेड टेन्स आ 1000। और आपको पता है हमने ये किया है ऑरल मल्टीप्लिकेशन, यहाँ तो 10 है, अगर हमारे पास 20, 30 कुछ भी नंबर हो तो हम जीरोस को छोड़ के सिर्फ जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 1 ज़ा 1, अगेन 1 1 ज़ा 1, और हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर, 3 3 ज़ीरोज़, 1 2 3, तो प्रोडक्ट में भी 3 ज़ीरो आएंगी। ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर कंटेनिंग ऑड पावर, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी नेगेटिव में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज -1 रेज़ टू पावर 789। तो यहाँ पर -1 इंटू -1 इंटू सो ऑन अप टू 789 टाइम्स। ये 789 टाइम्स है, नंबर नहीं है, मीन्स -1 जो है वो 789 टाइम लिखा जाएगा। तो आप 1 को कितने टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 1। 789 नहीं, ओके, नंबर नहीं है, ये टाइम्स हैं, और 789 इज़ ऑड नंबर, सो वी विल प्रीफिक्स नेगेटिव साइन। अब हमारे पास ये जो तीनों टर्म्स थी इनके हमें प्रोडक्ट मिल गए हैं, आंसर्स मिल गए हैं। अब हमें यहीं पर फिल कर देने हैं। तो -4 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई -10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई -1 रेज़ टू पावर 789 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करते जाइए, इसकी वैल्यू क्या मिली आपको, -64 मल्टीप्लाई -1000 मल्टीप्लाई -1। ओके, अब आपको इन सबको भी मल्टीप्लाई कर देना है। 64 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 64000, और 64000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन यू विल गेट 64000। साइन कौन सा होगा, काउंट द नेगेटिव साइंस, 1 2 3, 3 इज ऑड, सो वी विल प्रीफिक्स नेगेटिव साइन है। ओके, नाउ एफ पार्ट इज 50 रेज़ टू पावर 2, तो वी विल राइट 50 as 2 times 50 multiplied by 50। सो देखिए यहाँ पर आपको 50 को 50 से मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑरल मल्टीप्लीकेशन इज हियर, 5 5 ज़ा 25, एंड हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर, 1 2, पुट 2 ज़ीरोज़। ओके, सो 2500 इज़ योर आंसर। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीजर कंटेनिंग पावर। तो आपको इसके, जब भी आपके पास कोई इंटीजर है और उसकी कुछ पावर है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं लाइक दिस वे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर विच इज़ क्यूब ऑफ -9। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं दिया है क्यूब ऑफ -9, तो फर्स्ट राइट इट इनटू पावर नोटेशन, क्यूब ऑफ -9। और हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूब, व्हेन देयर इज़ रिटन क्यूब, क्यूब मीन्स रेज टू पावर 3। तो क्यूब ऑफ -9 इज इक्वल टू -9 रेज़ टू पावर 3, और -9 रेज़ टू पावर 3 वही जो हम पीछे करके आ रहे हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। तो -9 को 3 टाइम्स लिखेंगे, तो -9 यहाँ पर 9 9 ज़ा 81, एंड 81 9 ज़ा 729। ओके, और 729 के साथ अब साइन कौन सा होगा, नेगेटिव का साइन, बिकॉज पावर इज ऑड। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इज स्क्वेयर ऑफ 15। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वेयर, स्क्वेयर मीन्स रेज टू पावर 2, 15 रेज टू पावर 2। ये वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किए हैं, वही आगे यूज हो रहे हैं हमारे। 15 रेज टू पावर 2 इज रिटन एज 15 मल्टीप्लाई बाय 15, एंड 15 15 ज़ा 225। और अब ये पॉजिटिव की पावर थी तो पॉजिटिव का आंसर तो पॉजिटिव में ही आएगा। तो सिमिलरली इसके नेक्स्ट पार्ट है नाउ -5th पावर ऑफ -10। 5th पावर ऑफ -10 मीन्स -10 रेज़ टू पावर 5, 5th पावर है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 5th पावर है किसकी, -10 की, तो -10 रेज़ टू पावर 5 करना है। तो अगेन -10 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, सिंपली
क्या होगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तो वन ही मिलेगा। हाउ मैनी जीरोज आर देयर, 1 2 3 4 5, तो राइट 5 टाइम्स 0, एंड वट इज दिस नंबर, दिस इज 1 लाख। ओके नाउ पावर इज ऑड, 5 ऑड है तो इसके साथ माइनस का साइन है। ओके नाउ सिमिलरली 19th पावर ऑफ -1, -1 रेज टू पावर 19 किया आपने। अब यहाँ -1 को हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है तो 19 टाइम्स है, नंबर नहीं है ये, तो -1 को आप 19 टाइम्स करिए तो यू विल गेट 1, 1 क्यों किया तो। अब आप पावर ऑड है तो यू विल प्रीफिक्स नेगेटिव साइन है। ओके तो दिस वॉज आर 6th क्वेश्चन, मैंने सभी पार्ट डिस्कस किए हैं। नाउ 7th क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई, अगेन सिंप्लीफिकेशन मीन्स सॉल्व इट। हेयर अगेन 2 टर्म्स, 3 रेज टू पावर 2 प्लस 4 रेज टू पावर 2, तो यू कैन सॉल्व सेपरेटली और राइटिंग बाय राइटिंग इन अ ब्रैकेट हेयर। सो आई विल सॉल्व सेपरेटली हेयर, 3 रेज टू पावर 2 मीन्स 3 × 3, आप सेपरेट सेपरेट टर्म्स को लेकर यूज कर लिए, सॉल्व करिए, 3 × 3 = 9। ओके नाउ नेक्स्ट इज 4 रेज टू पावर 2, 4 रेज टू पावर मीन्स 4 × 4, 4 × 4 = 16। तो अब आपने यहीं पर इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, 3 रेज टू पावर 2 प्लस 4 रेज टू पावर 2 = 3 रेज टू पावर 2 की वैल्यू क्या है 9, और 4 रेज टू पावर 2 की वैल्यू है 16, एंड 9 प्लस 16 = 25, एंड 25 इज़ योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले से ही सॉल्व कर दिया, यहाँ पर 2 रेज टू पावर 3 माइनस 4 रेज टू पावर 2 है, तो 2 रेज टू पावर 3 की वैल्यू 8 है और 4 रेज टू पावर 2 की वैल्यू 16 है, और दोनों की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन दी है वहाँ पर इसको फिल कर दिया है। नाउ 2 रेज टू पावर 3 इज़ 8 एंड 4 रेज टू पावर 2 इज़ 16, एंड 8 माइनस 16, अब 8 माइनस 16 करना है, दैट इज़ नॉट 8, दैट इज़ -8। ओके सो हमारे पास ग्रेटर टर्म 16 है और वो नेगेटिव साइन के साथ है, तो आंसर के साथ भी नेगेटिव साइन होगा। ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सी पार्ट, 1 रेज टू पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 3 प्लस 3 रेज टू पावर 3, तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं तो मैंने सेपरेटली तीनों टर्म्स को यहाँ पर पहले सॉल्व कर लिया है। 1 रेज टू पावर 3 = 1, सिंपली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5th किया है वैसे ही आपने ये वाले क्वेश्चन भी वैसे ही ये वाली टर्म्स को सॉल्व करते जाना है। ओके 1 आ गया, 2 रेज टू पावर 3 का सोल्यूशन 8 है, 3 रेज टू पावर 3 सोल्यूशन 27 है, तो जब आप इसको इसकी वैल्यू जो है इन टर्म्स में फिल करेंगे तो 1 रेज टू पावर 3 की वैल्यू 1 है, 2 रेज टू पावर 3 की वैल्यू 8 है और 3 रेज टू पावर 3 की वैल्यू 27 है, सभी पॉजिटिव हैं, सबको ऐड किया तो हमें 36 मिल गया। ओके नाउ डी पार्ट, -10 रेज टू पावर 3 प्लस -10 रेज टू पावर 2 प्लस -10 रेज टू पावर 1, तो अगेन -10 रेज टू पावर 3 मीन्स 3 टाइम -10 को लिखे और आपको जो आंसर मिला दैट इज़ -1000, पावर ऑड थी ना इसलिए यहाँ नेगेटिव का साइन आया। ठीक है अब फिर नेगेटिव इंटीजर की पावर 2 है तो हमें यहीं से क्लियर है कि जो हमारा आंसर है वो पॉजिटिव में आएगा बिकॉज पावर इज इवन, तो -10 × -10 दैट इज़ 100। अब यहाँ -10 रेज टू पावर 1 दैट इज़ इक्वल टू -10, यहाँ 1 मेंशन किया है, अगर नहीं भी किया होता तब भी -10 ही होनी थी इसकी वैल्यू। अब अगेन तीनों टर्म्स में इसकी वैल्यू पुट कर दी है हमने तो 10 रेज टू पावर 3 की वैल्यू -1000 है और यहाँ -10 रेज टू पावर 2 की वैल्यू 100 है, 100 पॉजिटिव है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में नहीं लिया है, प्लस नेक्स्ट -10 रेज टू पावर 1 की वैल्यू -10 ही है। ठीक है अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन कर लिए, -1000 प्लस 100 प्लस माइनस कम्बाइंड हो गया साइन माइनस हो गया -10। अब नेगेटिव इंटीजर्स को मैंने ग्रुपिंग कर ली है, -1000 और -10 एक ब्रैकेट में आ गए और +1000 100 सेपरेट हो गया, यहाँ हम ऐड कर रहे हैं तो हम एडिशन वाले रूल्स के साथ चलेंगे, तो -1000 -10 दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं सेम साइन है तो इसलिए हम उनको प्लस करेंगे, -1000 10 और +100, और अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, अब क्या है ये डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन है इन दोनों को हम माइनस करेंगे, तो 1010 और 100 को माइनस करके हमें 910 मिला। अब इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 1010 और उसके साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर में भी माइनस का साइन आया,
तो बहुत ध्यान से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिकॉज यहाँ पर साइंस है और बिल्कुल आपको कंसंट्रेशन के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ज़रा सा साइन मिस्टेक होते हैं तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ई पार्ट इज 3 raised to power 3 माइनस -2 raised to power 3। सो अगेन मैंने सेपरेट दोनों को सॉल्व किया है। 3 raised to power 3 इज इक्वल टू, इसको 3 times लिखा है, पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव में ही आने वाला है। 3 3 9 9 3 27। ओके, और नेगेटिव है यहाँ, -2 raised to power 3 है, तो -2 raised to power 3 है, नेगेटिव की पावर ऑड आ रही है, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। बट क्या आंसर होगा वो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ही पता चलेगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, -8। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें हमने वैल्यूज पुट कर ली। 3 raised to power 3 की वैल्यू क्या है, 27, तो मैंने यहाँ 27 लिख दिया। माइनस का साइन एज इट इज ही रहने दिया। अब -2 raised to power 3 की वैल्यू क्या फाइंड की आपने, -8, तो -8 फिल कर दिए। -8 है इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में ले रही हूँ। ठीक है ना, ओपन द ब्रैकेट, 27 और ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, 27 + 8 इज इक्वल टू 35। तो अगेन यहाँ यहीं तक एक्सपेंड करने तक आपका न्यू कंसेप्ट है, बाकी तो फिर हम ऑपरेशंस के साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, नाउ एफ पार्ट इज -1 raised to power 16 प्लस -1 raised to power 36 प्लस -1 raised to power 7 प्लस -1 raised to power 54। तो अगेन मैंने सेपरेट सेपरेट सभी को सॉल्व कर लिया है। तो -1 raised to power 16 अब मैं इसको एक्सपेंड करके नहीं लिख रही हूँ। -1 raised to power 16 क्या होगा, 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही मिलेगा। पावर पर डिपेंड करता है कि आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पावर इवन है इसलिए आंसर पॉजिटिव होगा। और -1 raised to power 36 आप फिर से देखिए पावर क्या है इसकी, आंसर तो 1 ही मिलने वाला है, पावर इवन है तो आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा। -1 raised to power 7 आंसर तो 1 है बट ये माइनस नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि पावर ऑड है। ठीक है, नाउ -1 raised to power 54, अब 54 इज इवन सो आंसर इज 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी। क्वेश्चन था -1 raised to power 16 और इसकी वैल्यू क्या है, 1, तो मैंने 1 फिल की है। नेक्स्ट टर्म इज -1 raised to power 36 और उसकी वैल्यू भी हमने 1 फाइंड की है। प्लस -1 raised to power 7 इसकी वैल्यू -1 फाइंड की और -1 को मैंने ब्रैकेट में लिया है। प्लस और -1 raised to power 54 इसकी वैल्यू मैंने 1 फाइंड की है। ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी है यहाँ पर और पॉजिटिव टर्म को एक साथ ले लिया है। पॉजिटिव एक तरफ आ गई, पॉजिटिव वन सभी एक ब्रैकेट में है और -1 एक ब्रैकेट में चला गया। 1 + 1 + 1 दैट इज 3 प्लस -1 एंड 3 प्लस -1 एंड 3 - 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज द आंसर। सो दिस वाज आर टुडेज टॉपिक एंड द रेस्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन आर नेक्स्ट वीडियो। विद दिस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।